सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज की और इस पर हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी बनी हुई है। बात करते हैं कैस्टर सीड की। बता दें कैस्टर सीड 7,316 पर कारोबार करता दिखा है और इसमें आज गिरावट दिखने को मिली है। रूपा जी, आपको क्या लगता है कि कैस्टर सीड का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कैस्टर सीड में बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है और ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बना रह सकता है और इसमें बिकवाली करके चलिए। और आज भी हमने देखा है कि बाजार 7400 के बाद नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है, तो फिलहाल के लिए इसके नीचे में रेंज 7200 से लेकर 7100 तक बनती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे कि रूपा जी ने बताया कैस्टर सीड में आप आगे अभी कारोबार करके चल सकते हैं। बात करेगा कॉटन सीड ऑयल केक की, तो बता दें कि ये 2706 पर कारोबार करता हुआ लगभग ये दिखा है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, इसमें थोड़ा सा जरूर निचले स्तरों से एक बार बाइंग आई है और बाजार जो है 2700 तक जाता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर जो तेजी है वो 2800 तक मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं लगती। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी इसमें बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। आने वाले दिनों में 2500 से लेकर 2400 का स्तर देखने को मिल सकता है। रूपा जी, ग्वार गम ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार गम आज 9385 पर लगभग ट्रेड करता दिखा है और ग्वार सीड 5140 के लगभग ट्रेड करता दिखाई दिया है, तो आपको क्या लगता है ग्वार गम ग्वार सीड के बाजार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें अभी प्रेशर बना रह सकता है। इस कमोडिटी में खरीदारी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति रखनी चाहिए। फिलहाल के लिए ग्वार गम जो है वो 9200 तक नीचे लुढ़क सकता है, तो वहीं अगर सीड की बात करें तो 5000 तक गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, अगर मसालों की बात करें तो जैसा कि आपने हमेशा बताया कि मसालों में अच्छा रुझान रहता है, मसालों में तेजी भी बनी हुई है, तो बता दें धनिया की बात करें तो आज ये 12164 पे लगभग ट्रेड करता दिखा है। वहीं जीरा 23840 पर और हल्दी बता दें कि 7800 पे। हल्दी में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बाजार रह सकता है मसालों का? देखिए, अभी अगर बात करें तो हल्दी में जरूर करेक्शन है, लेकिन अब निचले स्तरों पर यहाँ से खरीदारी आती हुई दिखाई दे सकती है और आगे चलकर हल्दी तेज हो सकती है। सितंबर वायदा की अगर बात करें तो 7800 के आसपास मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बाइंग किया जा सकता है, कुछ क्वांटिटी खरीद कर चला जा सकता है। वही अगर अदर मसालों में देखें, धनिया और जीरा दोनों ही कमोडिटीज ने अच्छा रिटर्न दिया है। जीरा काफी ऊपर आ चुका है 23800 पर, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों पर दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सेम आज इट इज धनिया में भी 12000 के ऊपर मार्केट दिखाई दे रहा है। नीचे में जो रेंज दिखाई दे रही है वो 11800 से लेकर ऊपर में 12400 तक की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आगे चलकर इसमें तेजी बन सकती है। इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर, तीनों ही इनफैक्ट मसालों के अंदर बाय करके चला जा सकता है। रूपा जी, खाद तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है अगर हम अगले हफ्ते की बात करें, या इस हफ्ते भी जैसे कि गिरावट देखने को मिली थी, तो खाद तेलों के बाजार में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अभी खाद्य तेलों की जहां तक बात है, खाद्य तेलों में हमें कुछ एक देखा जाए तो अभी सरसों के तेल में थोड़ी सी अपसाइड मोमेंटम आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि देश भर में लगातार महंगाई में इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ ही केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों के ऊपर अभी GST लगा दी है, जिसके चलते सरसों तेल के रेट जो है एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अभी अगर देखा जाए तो बाजारों के अंदर, फिजिकल मार्केट के अंदर यूपी के अंदर 160 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है सरसों तेल का भाव। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अभी भी जो भाव देखे तो 50 रुपए प्रति लीटर कम है, लेकिन अभी जो गिरावट आई थी उसके बाद से वापिस से संभलता हुआ मार्केट दिखाई दिया है। तो ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम हो सकता है कि खाद्य तेलों में एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि GST लगने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है वो प्रेशर में बना रह सकता है। तो रूपा जी, जैसे कि सरकार ने GST लगभग हर चीज़ों पे बढ़ा दी है, जहाँ मसालों की भी बात हो गई, एडिबल या खाने पीने की डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी, तो आपको क्या लगता है कि ये महंगाई और कहाँ तक जा सकती है सरकार के GST पे ये कदम उठाने के बाद? देखिए, ऑलरेडी महंगाई बहुत ऊपर है और हर चीज महंगी है और अब इस कदम से आम जनता पर बिल्कुल इसका असर आता हुआ दिखाई दे सकता है, कीमतों के अंदर इजाफा देखने को मिल सकता है। अब आपको हर खाने पीने की ऑलमोस्ट चीजों के ऊपर GST देना होगा, तो ये काफी मतलब जो है महंगाई को बढ़ाने वाला कदम लग रहा है कि एक बार फिर से महंगाई जो है आम जनता के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और इसका असर प्राइसेस के ऊपर फिलहाल पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, जो अभी
अभी फिलहाल गिरावट आती हुई हमें खाद्य तेलों में पिछले कुछ टाइम में देखने को मिली थी, लगभग 10% के आसपास हमने गिरावट दर्ज देखी थी। अब वापिस से मुझे लगता है कि उतना मार्केट तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, मेंथा ऑयल की बात करें तो बता दें कि मेंथा ऑयल में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 1006 रुपए पर ही कारोबार करता दिखाई दिया है, तो मेंथा ऑयल में भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि मेंथा ऑयल के बाजार में क्या कुछ आगे बदलाव देखने को मिलेगा? मेंथा में भी बाजार जो है कभी उठता नजर आया नहीं है, अभी फिलहाल काफी टाइम के बाद 700-800 में जब रेंज में ट्रेड कर रहा था उसके बाद 1000 तक ऊपर गया, लेकिन वहां पर भी अब सस्टेनेबिलिटी नहीं है और आज भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से लुढ़ता है मार्केट, तो फिलहाल के लिए मेंथा में नीचे में जो है 960 तक एक बार गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, सोयाबीन का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए सोयाबीन में भी अभी देखिए खाद्य तेलों में अभी तो जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सरकार ने इंडस्ट्रीज को बोला है कि इसके अंदर आप जो है रेट को कम कीजिए और प्राइसेस जो है नीचे लाए जाए, लेकिन अब एक जो ये जीएसटी का कदम उठाया गया है इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा सोयाबीन के ऊपर भी और खाद्य तेलों के अंदर भी। अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा इसको देखना होगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है और आगे चलकर प्राइसेस किस तरीके की वो जो है सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो विदेशी मार्केट है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर भी आता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ टाइम में। अब हो सकता है कि छुटमुट खरीदारी बनती हुई दिखाई दे और बाजार जो है थोड़ा बहुत तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। रूपा जी, धान के रकबे में भी कमी देखने को मिल रही है, इसमें भी ऐसा अनुमान है कि कमी और आ सकती है, तो आपको क्या लगता है कि इसका चावल पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए आगे चावल में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं पहले के कंपैरिजन में, अभी भी हमने चावल में तेजी आते हुए देखी है और अभी जिस तरीके से रकबे कम होने की खबरें आ रही हैं और एक्सपोर्ट डिमांड्स भी निकलते नजर आ रहे हैं उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर तेजी में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है और अभी मानसून भी अच्छा बताया जा रहा है और ऐसे में प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो सकता है और मुझे लगता है कि आगे चलकर कीमतों के अंदर एक बार तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, अगर चने की बात करें तो वो एमएसपी से नीचे दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि चने का क्या भाव आगे एमएसपी से ऊपर जा सकता है? देखिए सभी दालों में प्रेशर है और अभी कुछ टाइम एक से दो दिन में हमने थोड़ा सा उठाव आते हुए जरूर देखा है दालों के अंदर, प्राइसेस थोड़े से संभले हैं लेकिन अभी बहुत ज्यादा मुझे इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है कि तेजी बनी रह सकती है। बाजार जो है दालों के अंदर प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है, लेकिन हाँ छुटमुट अभी चना हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, इसमें थोड़ी सी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, गेहूं को लेकर काफी दर्शकों के सवाल हमसे हैं कि गेहूं के बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, क्या गेहूं के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आगे और ज्यादा? देखिए गेहूं में बाजार अभी रुकता हुआ नजर आ रहा है और प्राइसेस जो है वो अभी भी ठीक मिल रहे हैं, अच्छे हैं प्राइसेस और अभी जो है एक्सपोर्ट जो है जिस तरीके से रोक दिया गया है आटा गेहूं इन का जो भी क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट है वो सरकार ने बैन कर दिया है और इसी के चक्कर में अभी देखें तो शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो ये सारी निर्यात अगर खुल जाता है तो वापिस से थोड़ा सा कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा खासा है लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है वो उसकी किल्लत देखने को मिल रही है और ऐसे में हो सकता है कि अगर एक्सपोर्ट खुले तो प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे और अभी के लिए फिलहाल बाजार जो है वो रेंज में बना रह सकता है, गिरावट नहीं है लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी जाती हुई भी दिखाई नहीं दे रही। रूपा जी, हमारे एक दर्शक है उनका सवाल है कि बिनौला खल को लेकर कि बिनौला खल को बेच के चले या आगे अभी रुके? देखिए बिल्कुल बेच के चलना चाहिए बिनौला खल में, मेरे हिसाब से तो अभी इसमें प्रेशर रह सकता है, अगले से अगले वायदे में हम तो इसमें बिकवाली का पोजीशन बनाकर चल सकते हैं यानी कि दिसंबर वायदा में सेलिंग किया जा सकता है। जी, ग्वार को लेकर हमारे दर्शक का सवाल है कि ग्वार को लेकर आगे क्या कुछ करके चला जा सकता है जिससे उनको फायदा हो? देखिए ग्वार में अभी फिलहाल बिकवाली का ही मंजर देखने को मिल रहा है और अभी एक्सपेक्टेड है कि बिकवाली ही बढ़ सकती है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ग्वार एक बार 9000 तक नीचे लुढ़क सकता है। ग्वार को लेकर हमारे एक दर्शक और उनका भी सवाल यही है कि दिवाली तक की बात करें तो ग्वार का जो भाव है वो कितना जा सकता है, कुछ अनुमान? देखिए अनुमान यही है कि एक बार 9000 से लेकर 10000 की रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकली देखना होगा कि 10000 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ सकता है मार्केट, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो तेजी गायब होती हुई दिखाई दे रही है तो मेरे हिसाब से प्रेशर में मार्केट बना रह सकता है। हमारे दर्शक है प्रताप, उनका सवाल है कि जीरे में क्या करके चला जा सकता है? देखिए एक बार कमोडिटी तो रही है,
जीरे में क्या करके चला जा सकता है हमारे दर्शक है उनका सवाल है रूपा जी। देखिए जीरा ऑलरेडी काफी ऊपर हो चुका है और हमने लगातार अगर ये हमारा बुलेटिन देखते आ रहे हैं तो हमने हमेशा ही इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। 21,000 के नीचे भी हमने बाइंग ही बोला था कि आप बाय करके चलिए और आने वाले दिनों में 22.5 से 23 का स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन अब लेवल काफी ऊपर है। यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और करेक्शन के चांसेस भी हैं, तो इन रेटों पर फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, रखा है तो बिल्कुल होल्ड करें क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि तेजी बनी रह सकती है। रूपा जी हमारे एक दर्शक उनका सवाल है कि क्या चने को अभी होल्ड करके चला जा चले या फिर आगे अभी कुछ इस पे और एक्शन ले सकते हैं वो। देखिए मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ज्यादा इसको होल्डिंग में ना रखें क्योंकि बहुत ज्यादा चने में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे कि इस्मा ने 10,00,000 टन अतिरिक्त चीनी निर्यात करने के लिए खाद्य मंत्रालय से जो अनुमति मांगी थी, सरकार इस पे विचार कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि चीनी इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर जिस तरीके से अभी चीनी निर्यात को अनुमति देने की बात की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत प्राइसेस जो है वो बूस्ट अप ले सकते हैं। और क्योंकि देखिए यहाँ पर चीनी मिलों को नुकसान से बचाने के लिए इस्मा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें 10,00,000 मीट्रिक टन चीनी को एक्सपोर्ट करने का की अनुमति दी जाए। और ऐसी मतलब खबरें निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि आज या फिर मंडे में ये एक्सपोर्ट जो है वो खुल सकता है कुछ लिमिटेशन के साथ। और जो है कीमतों में इसके चलते हमने देखा है कि शुगर के जो शेयर्स हैं उनमें अच्छी खासी तेजी आती हुई हमने कल के कारोबारी सत्र में देखी और आज भी हो सकता है कि वो प्राइसेस जो है उस शेयर जो है शुगर इंडस्ट्री के वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे, और अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो प्राइसेस थोड़ा सा बूस्टअप लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। रूपा जी अगर कपास की बात करें तो किसान कपास को MSP से डबल दाम पर बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कपास का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए कपास में अब मुझे तेजी नहीं लगती है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें फिलहाल उठाव आ सकता है। अभी जिस तरीके का प्राइस मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर निकालने की ही रणनीति होनी चाहिए क्योंकि इसका तेजी का दौर खत्म हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये प्राइजेस जो है अभी हम 40,000 के आसपास जो देख रहे हैं, आने वाले टाइम में 30,000 तक पहुंच सकते हैं वायदा के अंदर। जी रूपा जी मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि इंट्राडे में एग्री कॉमोडिटीज में कौन सी ऐसी कॉमोडिटी है जिसमें आगे कारोबार करके चला जा सकता है? देखिए एग्री कॉमोडिटीज में अगर आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज सभी कॉमोडिटीज में करेक्शन है और बिकवाली का मंजर देखने को मिल रहा है, तो बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। बिनोला कल में बिकवाली करके चला जा सकता है, कैस्टर स्टील में बिकवाली की जा सकती है, तो ये दो कॉमोडिटी ऐसी है जिसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और अगले हफ्ते की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कॉमोडिटी रह सकती है जिसमें आगे मुनाफा होगा? देखिए अगले हफ्ते की अगर बात करें तो अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि मसालों के अंदर खरीदारी करके चलिए, इनमें तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई देता है। रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो सिलसिला बाजारों का में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।